स्वेलिस कॉलर्स, हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे। देखिए जीके की बुक का नेम क्या है आपका, जीके प्लैनेट, और इसका टर्म 1 का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज हमने पेज नंबर 38 तक कंप्लीट कर चुका है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्म 2 का सिलेबस। देखिए टर्म 2 का सिलेबस से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ये यूनिट 1 यहां पे लिखा हुआ है, टर्म 2 की ये यूनिट 1 है, तो आपको पहचानना कैसे है कि ये टर्म 2 का सिलेबस है, बाय द नेम ऑफ द चैप्टर और बाय द नंबर ऑफ द चैप्टर। क्लियर, चैप्टर का नंबर क्या है 28 है और पेज नंबर क्या है 39, तो हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 28 पेज नंबर 39। क्लियर, तो चैप्टर 28 का नेम है हमारा बच्चों सेक्रेट प्लांट्स, ओके पवित्र प्लांट्स। कुछ ऐसे हमारे, देखिए आप रहते हैं इंडिया में और इंडिया में हमारे भगवान का बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में। क्लियर, तो हमारे माता पिता कई बार क्या होते हैं, हम तुलसी प्लांट को एक बहुत पवित्र प्लांट मानते हैं। क्लियर, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर, तो वही सब है यहाँ पे। देयर आर सेवरल प्लांट्स एंड ट्रीज दैट कंसीडर ए सेक्रेट इन डिफरेंट रिलीजन अराउंड द वर्ल्ड, ओके, ना ही सिर्फ इंडिया में बाकी पूरी दुनिया में भी बहुत सारे ये पवित्र प्लांट्स होते हैं जिसको लोग अपनी धारणाएं के अकॉर्डिंग उसको मानते हैं। क्लियर, लेट अस नो अबाउट सम सेक्रेट प्लांट्स ऑफ हिंदू रिलीजन, ओके हिंदू रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, रीड डिस्क्रिप्शन रीड करके हमें क्रॉस वर्ड को यहाँ पे फिल आउट करना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला, लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू प्ले हिज फ्लूट अंडर दिस ट्री, कह रहे हैं कि जो हमारे भगवान कृष्ण है वो इस ट्री के पे क्या बजाते थे, फ्लूट बांसुरी। क्लियर, तो इस ट्री के नीचे बैठ करके, क्लियर, या फिर इस ट्री के ऊपर। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है कदम का पेड़, क्या है कदम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर भी और हम क्रॉस वर्ड में भी लिख देंगे, के ए डी ए एम बी, ठीक है कदम। तो कदम का पेड़ जो है वो इधर पे हम फर्स्ट वाला देखते हैं, देखो यहाँ पे के ए, ये है ना पूरा के ए डी ए एम बी कदम, तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड को करते हैं, सेकेंड में लिखा है द फ्रेग्रेंट वुड ऑफ दिस ट्री इज मेड इनटू अ पेस्ट व्हिच इज देन यूज फॉर वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु एंड शिवा। क्लियर, तो ये जो फ्रेग्रेंट है इस वुड का, उसका पहले हम पेस्ट बनाते हैं और फिर उससे हम पूजा करते हैं किसकी, लॉर्ड विष्णु की और शिव भगवान की। तो ये जो आंसर है इसका नाम है, इस वुड का नाम है या फिर इस ट्री या प्लांट का नेम क्या है, सैंडल वुड, S A N D A L W O D, क्लियर। तो यहाँ सेकेंड में हम फिल आउट करते हैं सेकेंड वाला हमारा, S A N D A L W O D, सेकेंड हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं, द गॉडेस लक्ष्मी एंड सरस्वती सेट ऑफ दिस फ्लावर, जो हमारे भगवान सरस्वती और माता लक्ष्मी और सरस्वती हैं वो इस प्लांट पे क्या करती हैं, बैठती हैं। This flower is also associated with Lord Brahma. और ये वाला जो फ्लावर है वो लॉर्ड भगवान ब्रह्मा पे भी क्या है, वो उन पे भी एप्लीकेबल है, वो भी इस पर बैठते हैं। तो थर्ड वाले का जो आंसर है, तो लोटस प्लांट है, ठीक है, इस फ्लावर का नेम क्या है, लोटस। तो थर्ड वाला कहाँ पर है, ये है मेरा, है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ लोटस, एन ओ टी यू एस। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ में लिखा हुआ है द फ्रूट ऑफ दिस ट्री यूज इन मैनी रिलीजन सेरेमनीज of the Hindus and is even distributed as prasad. तो ये जो ट्री है या फ्रूट होता है जो इस ट्री का, तो बहुत ही हिंदू रिलीजियस सेरेमनीज में ये दिया जाता है और प्रसाद के रूप में भी इस फ्रूट को दिया जाता है। तो आप इसको पहचान गए होंगे, कोकोनट नारियल, सी ओ सी ओ एन यू टी, कोकोनट। फोर्थ का हम यहाँ पे फिल आउट कर देते हैं, फोर्थ वाला कहाँ पर है, ये है देखो, तो सी ओ सी ऑलरेडी लिखा है, एन यू टी, कोकोनट। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ में लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर हैंग नियर द एंट्रेंस ऑफ द मार्क ऑफ द एस्पिशियस ओकेजन एंड आर ऑल्सो यूज एज अ प्लेट्स टू गिव प्रसाद, ओके। तो जनरली हमारे घर के सामने जब हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं इन पेड़ की जो लीव्स को, क्लियर, और इस पे कई बार हम प्रसाद भी देते हैं इनकी ट्रीज की लीव्स पे, ठीक है। तो ये कौन सी ट्री की लीव्स है ये हमें देखना है, क्लियर। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों नीम, क्लियर, क्या हो जाएगा, नीम, सॉरी बच्चों नीम कैसे होगा, ये बनाना ट्रीज होंगे हमारे, है ना, अगर हम फिफ्थ वाले यहाँ पे देखें तो बनाना आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना लिखना है बी ए एन ए एन ए, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी ए एन ए एन ए, क्लियर। फिफ्थ हो गया, अब हम सिक्स्थ पे आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गॉडेस दुर्गा एंड मैनी पीपल बिलीव दैट दिस ट्री हेल्प इन कीपिंग ईविल स्पिरिट्स अवे। ओके, तो ये जो हमारा क्या है, ट्री या प्लांट है, ये ट्री जो है वो हमारा गॉडेस दुर्गा मीन्स माता दुर्गा पे एप्लीकेबल है, और ये भी माना जाता है कि ये हमारे बहुत सारे ईविल्स को क्या करता है, ये ट्री दूर रख के रखता है, इनके लीव्स, है ना। तो ये जो है हमारा सिक्स वाले का आंसर ही आ जाएगा नीम, क्या आ जाएगा सिक्स का नीम। तो अगर हम देखें इधर पे नीम हमारा फिलहाल भी फिट बैठ रहा है, नीम लिख देते हैं एन डबल ई एम। तो यहाँ पे सिक्स वाले इसको मैं भर देता हूँ एन ई ई एम। सेवेंथ पे आ जाओ, सेवेंथ में देखो क्या लिखा है, दिस ट्री हैज बीन सिटीड इन द एपिक लाइक रामायण महाभारत एंड इवन इन द पुराण पुराण द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ऑलवेज हंग बाय द स्ट्रिंग टू एक्सप्रेस द ऑस्पिशियस ऑफ एन ओकेजन। तो सेवेंथ का बच्चों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मैंगो, क्या हो जाएगा मैंगो एम ए एन जी ओ। तो यहाँ पे सेवेंथ देखें तो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो मैंगो लिख देते हैं एम ए एन जी ओ। इसके बाद एट्थ पे आ जाते हैं, एट्थ में लिखा हुआ है दिस ट्री इज जनरली सेड टू बी द हम्बल अबोट लॉर्ड कृष्णा, इट इज ऑल्सो फाउंड आइदर नियर अ टेम्पल और देयर इज अ श्राइन बिलो द ट्री इटसेल्फ। ओके, तो ये बनियान, कौन सा ट्री है, बनियान बी ए एन वाई ए एन। तो जो लास्ट हमारा बचा हुआ है देखो ये एट्थ वाला, यहाँ पे हम फिल आउट कर देते हैं बी ए एन वाई ए एन, क्लियर। तो बच्चों इस तरह से हो गया हमारा चैप्टर नंबर 28 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 29 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।